ऐसे जो बशीरपुर की गुंडागर्दी बंद कराओ, गरीब आवाम को इंसाफ फराहम कराओ, ऐसे जो गुंडागर्दी बंद कराओ, गरीब आवाम को इंसाफ फराहम कराओ। जेड़े घरों बाहर नहीं निकल सकते, एक महंगाई दे सताए हुए, एक पुलिस दे सताए हुए, दूजा डाकुआ दे सताए हुए। मैं उस रब्बे काबा की कसम खाना जिंदे कब्जे च मेरी जान है, ए कपड़े मैं किसी के बच्चों के गल मंगते पाए मैंने, मेरे बच्चे की टुटी भी जुत्ती नहीं छड़ के गए। और एस एच ओ नूं पता है, बीपीओ इको गल आंदा जी एस एच ओ को चले जाए बसीरपुर, मैं बसीरपुर थाने जाना, एस एच ओ आंदा जी तुसी उधर डीपीओ साहब को मैं कॉल करवाओ, डीपीओ को जाना वो आंदा जी मैं उन्होंने कहते जाओ थोड़ी परचा दे देंगे, वो भाई परचा देंगे मेरा समान लैके दौ, और समान आंदा जी तू बाहर दी बाहर ले ले, मैं कह ना मेरा समान थाने लाया, मैं कह परचा दे, आंदा समान थाने मंगावा मैंने परचा देना पैसी, मैं दे परचा, मेरा परचा क्यों नहीं देना, ना परचा देंदा ना मैं समान लैके देंदा, मैं लोगों के घर जाना मेरे बच्चे छोटे नूं पेशाब करन वाले लै जाओ बालों नूं, दसो मेरे वास्ते दुनिया ही कोई, मैं पाकिस्तानी रहशी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ, पाकिस्तान दे विच ये हालात हो रहे हैं जिवें इंडिया दे विच हिंदू कर रहे हैं, इस तो बदतर हाल हो रहे हैं मुसलमान कर रहे हैं मुसलमानों नाल, ये हालात हो चुके हैं। अच्छा ये जो थानेदार है ये तुहाडी गल क्यों नहीं सुनता सर, वो असरो रसूक वाले बंदे नूं उन्हां दा कारोबार है, ਉਹਨਾਂ 20,000 ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਉਕਾੜਾ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨਕੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਜੋ ਡਾਕੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕਾ ਤਮਾਮ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣਾ ਲੂਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਾ ਪਰਚਾ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि ये जो ग्रोह है ये एक अरसे से इलाके में सरगर्म है, लेकिन पुलिस जो है इसके खिलाफ हमेशा से ही कार्रवाई करने से गुरेजा है। नाजरीन मज़ीद ये कि ये जो ग्रोह है जिसका इन्होंने जिक्र किया है वो रिकॉर्ड याफ्ता है, और पुलिस जो है उसको इसके बावजूद जो है पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। नाजरीन मज़ीद तफसीलात के लिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं के इसके बारे में ये और क्या बता सकते हैं। ये नाम है बाबा जी तुहाडा? मेरा नाम अब्दुल करीम है, जिला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, डाखाना बसीरपुर, ठोकर गामा वागरा बसीरपुर थाना का मैं रहशी हूँ, और मेरा घर थाने की हदूद से सिर्फ 700 गज दूर है थाने तो। अगर मेरे घर खड़ा होकर आवाज़ मारिए तो थाने में आवाज़ चली जाती है। अच्छा। और जिस 25 तारीख को दिन 5 बजे बंदे आए नूं उन्हां ते फायरिंग कीती, जिन्हां दा सरपरस्त शहर यार वट्टू और रियाज वागरा, इस दे नाल बाकी दे बंदे सारे आए न, आ के जनाब इन्हां ते फायरिंग कीती, फायरिंग करके मेरे घर मेरे बच्चों की निकर भी नहीं छोड़ के गए। यह मेरा सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है यूजार सीफ, और ये कपड़े मैं गुआंढियों को मंग के इनू पाए हुए इनू, और मौके पर SHO बसीर पर आया और वो फौरी चलाया गया, 15 ते असा कॉल की है, उस तो बाद जनाबे वाली मुड़ मैं कॉल की, मुड़ आया मुड़ चलाया गया। मैं 26 तारीख में एप्लीकेशन दे दी फ्रेंड डेस्क से, मेरा कोई अमल दरामद नहीं होया, मैं DPO दे पेश होया उसने भी दरखास्त दी है उत्थे भी मेरा कोई अमल दरामद नहीं होया, मैं पूरा वफद की शक्ल दे DPO को गया उकाड़ा को मेरा कोई अमल दरामद नहीं होया, मैं कल भी DPO को गया वैसा मेरा कोई अमल दरामद नहीं होया। DPO कहता SHO को चला जाए, SHO कहता DPO को चला जाए, दोवें एक दूजे ते पाई खड़े नूं, लिहाजा उत्थों तो बड़ा वड्डा ग्रोह है, लोग बड़े परेशान हैं। मैं गरीब आदमी प्रेस क्लब लाहौर आ गया, कोई लोग कह जन जिहड़े घरों बाहर नहीं निकल सकते, एक महंगाई दे सताए हुए, एक पुलिस दे सताए हुए, दूजा डाकुआ दे सताए हुए। मैं उस रब्बे काबा की कसम खाना जिंदे कब्जे च मेरी जान है, ए कपड़े मैं किसी के बच्चों के गल मंगते पाए मैंने, मेरे बच्चों की टुटी भी जुत्ती नहीं छड़ के गए। और SHO नूं पता है, SHO 3 बारी मौके पर गया, SHO के कन्न ते जू नहीं रिंगी, और एडा यह सालम महकमा हो गया इन्हें अज तक कोई अमल बरामद नहीं किया, घर घर ते किराए बढ़ बढ़ते मैं उजड़ गया, इन्हें मेरी कोई गल नहीं सुनी। DPO इको गल आंदा जी SHO को चले जाए बसीरपुर, मैं बसीरपुर थाने जाना, SHO आंदा जी तुसी उधर DPO साहब को मैनू कॉल करवाओ, DPO को जाना हुआ था जी मैं उन्होंने कहते जाओ थोड़ी परचा दे देंगे, वो भाई परचा देंगे मेरा सामान लेके दो,
और समान आंदा जी तू बाहर दी बारे ले ले। मैं कहा ना मेरा समान थाने लाया। मैं कहा परचा दे। आंदा समान थाने मंगावा मैंने परचा देना पैसी। मैं दे परचा, मेरा परचा क्यों नहीं देना है? ना परचा देंदा है ना मैं समान लेके देंदा है। मैं लोगों के घर जाना, मेरे बच्चे छोटे नू पेशाब करन वाले ले जाओ बालों, दसो मेरे वास्ते दुनिया ही कोई। मैं पाकिस्तानी रहशी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? पाकिस्तान दे विच ये हालात हो रहे हैं जिवें इंडिया दे विच हिंदू कर रहे हैं, इस तो बदतर हाल हो रहे हैं मुसलमान कर रहे हैं मुसलमानों नाल। सानू ये साडा इस्लाम जेब नहीं देंदा, ना साडा कानून जेब देंदा है, सिर्फ उस जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हालात है ना मेरे घर छड्डे नू। मैं गरीब आदमी हाँ, मरीज इन्हों बच्चों की मैं रोजी कमावा या मैं इन्हों नाल जंग लड़ा, मैं पुलिस के धक्के खावा, कोई पुलिस नहीं सुनती। जब तक बंदा थक नहीं जाता उन्नी देर जनाबे वाली बंदा मुक नहीं जाता पुलिस सुनती नहीं। ये हालात हो चुके हैं। अच्छा ये जो थानेदार है ये तुहाडी गल क्यों नहीं सुनता? सर वो असरो रसूख वाले बंदे नू उन्हां दा कारोबार है, उन्हें 20,000 बाहरों लियावना, उन्हें 10 पुलिस च देना, 10 उन्हें आप रख लेने। इवें दाड़ मार करते उत्थे जनाब वो स्ट्रोंग बने बैठे नू, कुछ 40 बंद की जमीन तो उन्हें कब्जा किया वै, कुछ 100 बंदे तो उन्हें घर लुटे वे, ये उन्होंने कारोबार है। अच्छा ते वो रिकॉर्ड याफ्ता ने? जनाब मैं आना भी तुसी उन्हां दा रिकॉर्ड तक डाओ भी उन्हां दा रिकॉर्ड किन्ना किन्ना निकलता है, की उन्होंने कैटागरी के परचे हैं, इज्जत के परचे, कब्जे ग्रुपां के परचे, कोई एक परचे नूं लांदे थे। तुसी अपना नामजद किया उन्हां दा एफआईआर दे? मेरे कोल आ मेरी एप्लीकेशन है, आ जिहड़ी मैं डीपीओ साहब नूं दित्ती है, आ वो मेरा टैग लग्या होया है। आ ठीक है ठीक है। ए आ दूसरा टैग है जिहड़ी मैं फ्रेंडेक्स ते पुलिस नूं एप्लीकेशन दित्ती है, आ वो मेरा टैग है जिहड़ी पुलिस नूं एप्लीकेशन दित्ती है। ठीक है। ए आ मेरी एप्लीकेशन है, ओवें मैं लै के फिरना जी। ठीक है ठीक है। आ वेख आ मेरी एप्लीकेशन है जिहड़ी मैं डीपीओ दे नां ते उत्थे जाके दित्ती है। ठीक है। मेरी सुनदा ही कोई नहीं जनाब, मैं थक गया हूं। मैं तो उस टाइम जाना है जब तक मेरा अमल दरामद ना हो, मेरे बच्चे मर जावन मैं कबूल करांगा। मैं समझा भी करबला मेरे बच्चे शहीद हो, ये दुनिया से करबला से मेरे आका के नवासियों की, ये साड़ी करबला बन गई उनके उम्मतियां। बस मैं उन्नी देर बैठा, मैं नहीं किधरे जाना। अच्छा, बस दूसरा जो अपना फैमिली के दूसरे मैंबर से वो कितने सन जिसल इन्होंने डकैती की है? मेरी बेगम गरी सी जनाब, मेरी बेगम नू मारिया ने। सानू इन्ना टाकट नहीं दिता जाके मेडिकल करा लो, पुलिस तो बगैर मेडिकल कोई भी नहीं करता जी। ठीक है। पुलिस का टाकट जाएगा, पुलिस का टाकट जाएगा मेडिकल होवेगा, पुलिस टाकट नहीं देवेगी मेडिकल नहीं होना। अच्छा तुहाडी बेगम का मेडिकल भी होने वाला है? हाँ जी, उहदा मेडिकल ही नहीं होया जी, महीना हो चलिया है, एक 25-3 का वकू है, अज हुण कित्थों मेडिकल होना है। अच्छा ये दसो बीबी थानू मतलब जो आए ने डकैत कितने सोते उन्होंने की तुहाडे नाल की सलूक किया? मैं घर ही सी, उन्हें मैंने मारा है ते बच्चों भी मारा ने, मैंने घरों बाहर काट दिता ने। अच्छा। मेरा समान भी चालिया ने, कमरे ताले मार के सानू बाहर काट दिता ने रात के 8 बजे। समान लुट लेंदे ने, मकान खोल ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ? ਮਲਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਮਲਕੀਤੀ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਮਲਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ 2017 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਉਵਰ ਸੈਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਲਿਬੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ उस वक्त किसी ने बचाया तुहानू आके? नहीं भाई, सारे मारदे सी, बाहर कढ़दे सी, मैनू कहंदे सी निकल जाए तू, गालियां कढ़। कोई नकदी भी लै गए? हाँ जी। कोई पैसे भी लै गए? हाँ जी पैसे भी लै गए ने, सोना भी एक तोला लै गया सी। एक तोला सोना ते पैसे बाबा जी किन्ने लै गए ने? पैसे 16-17 हज़ार रुपया। 16-17 हज़ार रुपया लै गए ने। अच्छा ते तुसी करदे की? जमींदारी करदे? बस जमींदारा करना या एक भट्ठा होंदे ते मैं मजदूरी कर, भट्ठा ते मजदूरी करदा। हां जी मजदूरी भी करदा थोड़ा जेड़ी जेड़ी अपना पुलिस है मुतलका, ओ ताड़ी गल नहीं सुनदी? कोई गल नहीं सुनदी, थक गया जी पुलिस दे बारे। जी नाज़रीन ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। पुलिस जो है वो
जो एक्शन लेने को तैयार नहीं है। डीपीओ के पास जाते हैं तो वो एसएचओ के पास भेजता है, एसएचओ के पास भेजते जाते हैं तो उसको डीपीओ के पास भेजता है। नाज़रीन वजह नहीं पता कि ये इस तरह क्यों किया जाता है, लेकिन जो इस तरह के जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अब इसके पीछे क्या है कि उनकी हौसला अफजाई की जाती है और जो जो मदई हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका साथ नहीं देती पुलिस। नाज़रीन किस्सा इसमें बिल्कुल साफ साफ है कि पुलिस जो है वो रवायती अपनी तसावली और अपना जो उनका निज़ाम चलाने के लिए जो वो हरबे इस्तेमाल करते हैं, इस केस में भी उनका जो है अमल दखल महसूस होता है। नाज़रीन पुलिस जो है वो अगर अपनी जो फ़राइज मनसबी है उनको बखूबी अंजाम दे तो किसी भी जराइम पेशा अनासर का जो है वो कभी भी इतना हौसला बुलंद नहीं हो सकता कि वो शरीफ शहरियों को जो है वो अपने जुल्म और सितम का निशाना बना सके। ये एक गरीब आदमी है मेरे साथ बैठा हुआ है, भट्ठे पे ये काम करता है, भट्ठे का मजदूर है और ज़िम्मेदारा करता है। नाज़रीन फैसला जो है वो अदालत ने करना है, लेकिन नाज़रीन जब तक इनकी एफआईआर नहीं दर्ज होती ये इनका जो केस है वो इसी तरह जो है वो अनरजिस्टर्ड है और कोई इसके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन जो हुकामे बाला है ख़ास तौर पर डीपीओ उनको इस बात का जो है फौरी नोटिस लेना चाहिए और ये बंदा जो अपने ख़ानदान के 20-25 अफराद जिनमें उनके जो नौमौलूद बच्चे हैं वो भी शामिल हैं और जो अपना जवान है बच्चे वो भी शामिल हैं, ये सब ये ज़िला उकाड़ा से यहाँ लाहौर तक पहुँच चुके हैं। आखिर कोई वजह है इतना किराया देकर इतनी मुसीबत झेल कर ये लाहौर यहाँ पे यहाँ कोई मेला देखने नहीं आए, यहाँ पे अपने जुल्म की दास्तान सुनाने आए हैं, इसलिए यहाँ आए हैं कि इनकी वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही। नाज़रीन कम अज़ कम इनकी एफआईआर दर्ज होने चाहिए और उसके बाद जो है वो जो है केस जो है वो आगे चलना चाहिए, अदालतें उसके ऊपर अपना फ़ैसला दें ताकि जो दूध का दूध है वो पानी दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नाज़रीन यहाँ पे इस वक्त शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं और हमज़ा शहबाज़ शरीफ जो हैं वो भी वज़ीर आला पंजाब का जल्द ही हलफ उठाने जा रहे हैं, उनको उनसे भी इनकी दरख्वास्त है कि अपील है कि उनका जो केस है उसके बारे में हुकामे बाला यानी पुलिस जो है उसको ख़ास तौर पर मुतनब्बे किया जाए, उसको पाबंद किया जाए कि ये जो बच्चे हैं ये जो एक अपना मजदूर आदमी है इसकी पूरी फैमिली यहाँ लाहौर में बैठी हुई है उसका जो केस है उसके बारे में जो है वो अपना उसका नोटिस लें। इनका ये कहना है कि जब तक इनका केस जो है इनकी सुनवाई नहीं होती, पुलिस इनका पर्चा दर्ज नहीं करती, ये जो है ये यहीं पर लाहौर की सड़कों पर जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। नाज़रीन ऐसे लोगों का कोई भी जो है वो फुरसाने हाल नहीं है। अभी इन्होंने इस बात की मिसाल भी दी कि हमारे साथ वो सलूक हो रहा है जो हिंदू इंडिया में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन हम 1947 में आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो आज भी महसूस करता है कि वो आज़ाद नहीं है, ना तो उनकी जो है सरकार सुनती है, ना उनका जो है पुलिस जो है वो उनकी बात सुनती है। जो अपना जो जराइम पेशा है जालसाज लोग हैं वो इनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं और आसानी फरार हो जाते हैं और उसके बाद ये सितम पर सितम ये है कि जिनकी ज़िम्मेदारी है ख़ास तौर पर पुलिस जो है वो भी हाथ बांध कर बैठ जाती है और कोई हिलो हुज्जत नहीं करती। तो इस तरह नाज़रीन जराइम जो है वो बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। नाज़रीन मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह नेगेबान।